इट इज एक्चुअली ही इज द ओनली पर्सन. हालांकि यू नो नॉर्मली आई थिंक पीपल वो लड़कियां जो है वो ज्यादा पेरेंट्स की तरफ शायद इंक्लाइन करें या और भी दूसरी चीजें हैं जो बंदा उन चीजों की तरफ इंक्लाइन करता है. लेकिन ऑनेस्टली मैंने अपनी कुकिंग जो है ज्यादा प्रॉपर शादी के बाद ही स्टार्ट की एंड इट वॉज एक्चुअली हिम हु पुश्ड मी टुवर्ड्स एवरीथिंग. मेरा नाम कुलसुम वकास है. मैं आयरलैंड में रहती हूँ और आई एम अ हाउसवाइफ एंड आई हैव माशाल्लाह 3 किड्स हु कीप मी बिजी ऑल द टाइम. और आई रन अ स्मॉल होम बेस्ड बेकिंग बिजनेस जिसमें ऑब्वियसली आयरलैंड में जैसे सबको पता है बाहर रहते हुए हलाल केक्स और इन सब हलाल केक्स और स्पेशली ओकेजन केक्स और नोवेल्टी केक्स के बहुत कम अवेलेबिलिटी होती है. प्लस एज माय हस्बैंड इज अ डॉक्टर तो यू हैव अ लॉट ऑफ फ्री टाइम ऑन योर हैंड. तो आई स्टार्टेड अ लिटिल थिंग एज अ हॉबी जस्ट फॉर सम क्लोज फ्रेंड्स और इट स्टार्टेड टू पिक अप फ्रॉम देयर एंड अल्हम्दुलिल्लाह. It's a just small thing that I do for myself, and that's about it. Actually, Super Barber Ji ke contest ke baare mein mujhe pata chala tha through Khizra Ahmed's post on KCH, Karachi Chefs at Home. उसके ऊपर उन्होंने अपनी post डाली थी कि she's a judge here, so. जाहिर है मैं उनको काफी अरसे से फॉलो करती थी तो मैंने कहा लेट्स गो अहेड एंड सी व्हाट इट्स ऑल अबाउट. फिर जब मैंने उसके पूरे रूल्स एंड एवरीथिंग सब कुछ पढ़ा सो ऑब्वियसली आई गॉट इंटरेस्टेड और मैंने रजिस्टर कर लिया. दिस वाज माय फर्स्ट एवर पार्टिसिपेशन इन एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन एट ऑल लेट अलोन इट बी अ कुकिंग कॉम्पिटिशन. टाइम ही नहीं मिला ना कभी इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी आई सामने विच आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू गाइस टू स्टार्ट समथिंग लाइक दिस. क्योंकि नॉर्मली इट्स लाइक आप जाते हैं किसी कंपटीशन के अंदर ऑनलाइन घर से बैठे बहुत मुश्किल हो जाता है. प्लस व्हेन यू हैव किड्स और आपकी सारी डेली चोर्स चल रहे होते हैं आपकी डेली रूटीन एक चल रही होती है तो इट्स वेरी हार्ड कि आप घर से निकल के कहीं जाए. मैं इसके लिए सुपर बाबरची का और स्पेशली आपका बहुत थैंक यू करूंगी कि दिस इज समथिंग कि घर बैठे आपके लिए आसानी थी कि आप आराम से घर बैठे अपनी घर की कंफर्ट में ना आपकी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं ना आपकी कोई रूटीन अप एंड डाउन होती है. आप अपना टाइम निकाल के यू जस्ट गो अहेड एंड डू योर थिंग. टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई ऐसी चीज ज्यादा लगी नहीं कि मैं आपको मतलब सर्टनली एकदम मेरे दिमाग में पॉपअप हो जाए कि नहीं ये चीज बिल्कुल सही थी और ये चीज बिल्कुल सही नहीं थी. ऐसी इन जनरल मुझे कोई ऐसी चीज लगी नहीं. लेकिन हाँ थोड़ा सा अगर एक चीज जो मैं कहूंगी टाइम पीरियड अगर जिस तरह 3 राउंड्स थे तो 3 राउंड्स में थोड़ा सा टाइम पीरियड अगर कम हो जाता या हाँ देयर इज वन थिंग. यस सॉरी अब याद आया देयर इज वन थिंग. आई थिंक के अगर जो हर राउंड में अगर एंट्री आपने अपनी देनी थी तो आई थिंक सिर्फ एक डिश अलाउड होनी चाहिए थी इंस्टेड ऑफ मेकिंग. सेकेंड राउंड में जिस तरह आपने कॉम्बिनेशन में जैसे चावल के साथ कोई चीज अगर कॉम्बिनेशन में जाती है वो बना ली दैट्स फाइन. लेकिन जिस तरह कुछ जगहों पर मुझे ये फील हुआ कि बहुत ज्यादा जो है ना डिशेस आ रही थी साथ. आई थिंक अगर एक डिश होती तो क्योंकि ये जो इंसान एक डिश बना रहा है और जो इंसान 8 डिश जो औरत 8 डिश बना रही है उसमें फिर आपके पॉइंट्स में ऊपर नीचे हो जाता है. राउंड में सिर्फ एक मतलब एक डिश आपने एक एंट्री आपने देनी थी तो दैट वाज फेयर इनफ. इफ आई मतलब अगर मैं नहीं कोप कर पा रही फॉर 2-3 एंट्रीज तो आई थिंक थोड़ा सा जो है ना इट अफेक्ट्स द रिजल्ट.
भी सारी देखी है ए टू जेड एज सून एज दे अपलोड. फाइनल राउंड में मेरी जो टॉप थ्री एंट्रीज मैं आपको बोलूंगी, एक तो मुझे सदफ नवीद की ब्लैकबेरी डोम मुझे बहुत अच्छा लगा है. मारिया खालिद, उन्होंने टॉपसी टर्वी बनाया, वो बहुत अच्छा है. एंड थर्ड एंट्री मैं कहूंगी मे बी नादिया अर्शी. रेसिपी तो जो उनकी थी, उन्होंने जो टेक्निक्स शो की, दैट वाज प्रीटी अमेजिंग. बहुत अच्छी टेक्निक्स शो की उन्होंने. ऑनेस्ट, अगर मैं चाहूं तो बहुत डिप्लोमेट आंसर दे सकती हूँ, लेकिन थी एक से दो एंट्रीज थी विच वर्क काइंड ऑफ मतलब उनकी पिछली एंट्रीज को देखते हुए उनकी थर्ड एंट्रीज मुझे लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा कर रही थी. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये मजीद बेहतर कुछ चीज थर्ड राउंड में लेकर आएंगी. एक्चुअली कुछ भी नहीं सोचा अभी तो, आई एम जस्ट फोकसिंग इफ आई विन और नॉट. आई एक्चुअली हैवंट थॉट, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा है कि मैं क्या करूंगी. लेकिन इट विल बी रियली नाइस कि अगर इट विल बी अ बिग मॉरल बूस्ट एक्चुअली कि यू नो आई वॉन्ट समथिंग. एक्सपेक्ट किया था कि जजेस जो हैं वो स्ट्रिक्ट मार्किंग भी करेंगे और उनकी एक इवेल्युएशन भी स्ट्रिक्ट होगी. आई थिंक आई डिड एक्सपेक्ट इट कि दिस विल बी अ वेरी स्ट्रिक्ट राउंड, स्पेशली उनकी लाइव सेशंस देखने के बाद. उन दोनों के लाइव सेशंस देखने के बाद मुझे लगा था कि थर्ड राउंड में किसी किस्म की कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सो आई डिड एक्सपेक्ट इट. जरूर करूंगी, इंशाल्लाह ताला जरूर करूंगी. एक्चुअली इस बात पे मेरे को डिसहार्ट होने वाली बात नहीं होती. इट्स जस्ट दिस के इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस. जितना आप इसको एज एन एक्सपीरियंस देखते हैं उतना इट्स बेटर फॉर योरसेल्फ. आप खुद ही इम्प्रूव करते हैं, आपको अपनी गलतियां खुद ही पता चलती हैं. अगर इंसान सीखने की कोशिश भी नहीं करेगा तो आई डोंट थिंक के वो अपने आप से फेयर है. आई वुड लव अगर आप कोई बेकिंग कॉन्टेस्ट होस्ट करते हैं नेक्स्ट टाइम. आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ अ बेकिंग कॉन्टेस्ट. जी बिल्कुल, आइए चलिए मैं आपको अपना किचन दिखाती हूँ. आखिर में आई वुड लाइक टू थैंक माई हस्बैंड जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया थ्रू आउट. ही इज माई बिगेस्ट क्रिटिक, ही इज माई बिगेस्ट सपोर्ट, बिकॉज आई थिंक ही इज द पर्सन हु पुशेज मी, जो मुझे पुश करते हैं टूवर्ड्स ऑल द थिंग्स जो शायद मैं करना चाहती हूँ बट फॉर सम रीजन खुद ही नहीं कर पाती हूँ. And he is the one जो मेरी हर जो भी कुछ मैं बनाती हूँ, whatever I cook, he is the first person to taste it. और उसके बाद honestly उसकी 19-20 का फर्क भी बताते हैं कि आज अगर इसमें ये हो जाता तो ज्यादा बेहतर था, अगर इसमें ये हो जाता तो ये ज्यादा बेहतर था. So I would definitely like to thank him क्योंकि his support means everything to me. और बाकी I wish all the best to my fellow contestants और hopefully the best dish will win. Thank you so much. Allah Hafiz.